आप थोड़ा खुलकर बताओगी आप मुझे, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? या तो जल रहा है या पिघल रहा है। बिल्कुल मेरी मैरिड लाइफ की तरह, या तो जल रहा है या फिर पिघल रहा है। शायद ये थोड़ा अजीब लगे सुनने में, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अरे कुछ नहीं, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुमको पता है, ये जो आदमी है ना, एक बार रोटी बनाने के लिए बोली, मेरी ही गलती थी। ऐसी एक अजीबोगरीब देश बना दिया जिस देश का कोई नामो निशानी नहीं है। ऐसा मत बोलो, मैं कितनी मेहनत से बेल बेल के। चुप करो, बेल बेल के बेल बेल के कुछ भी काम नहीं आता है। देखा है मेरी रोटी कभी? पूरा गोल, लगेगा कि कॉम्पस बिठा के ऐसे। मैं माँ को बता ही सकती थी, पर फिर क्या होगा, मुझे बहुत ताना मारेगी और बाकी मौसे लोगों को फोन करके सब एक साथ हंसेंगे, इसलिए। सुनो माँ, मौसी वैसे ही बोलती रहती है, वो कुछ नहीं है। मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, फिर देखना क्या होता है। तुम सिर्फ फोन करके बात कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच। और विष्णु भैया, आप अभी सीरियसली ये जंक फूड खाना थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तुमसे मैं एक बात कर रही हूँ, और ये कभी मत सोचना कि तुमसे नहीं होगी, जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होगी। पता है कुकिंग भी ना एक आर्ट है, ये भी एक डिजाइन है, स्वाद और सुगंध की डिजाइन। क्या बात है, क्या हुआ? पापा ऐसे क्यों बदल गए? रिसेंटली तुम्हारी बात हुई पापा से? बॉम्बे जाने के बाद वैसे भी फोन कम करते थे, बिजी रहते थे इसलिए, और इस आंटी के साथ मीट करने के बाद और भी कम कर दिए। अगर पापा को इतने मिस करते हो तो फोन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैं उस इंसान को मिस नहीं करती हूँ, मैं अपनी पापा को मिस करती हूँ। पता है जब मेरे पापा गुजर गए, मतलब तुम्हारे नाना, तब माँ बहुत वीक पड़ गई थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। पता है मुझे तब कौन संभाली थी? कौन? तुम्हारी माँ। इतनी स्ट्रांग मैं किसी को नहीं देखी। स्कूल में सब जब चिढ़ाते हैं, गुस्सा क्यों होते हो? सब मुझे अलग नजर से देखते हैं, मैं स्टैंड आउट नहीं करना चाहती। कितना अजीब ना, बचपन में स्टैंड आउट करने से गुस्सा आता है, और बड़े हो जाने के बाद स्टैंड आउट ना करने से लगता है लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाई, ऑर्डिनरी, यूजलेस। वो लोग सच कहते हैं, सच्ची आई एम अ लूजर। जिसके पास ऐसे माँ मौसी और नानी है वो लूजर। देखना तुम हमेशा स्टैंड आउट करोगी, क्यों पता है? क्यों? बिकॉज यू आर स्पेशल। जो कोई भी तुम पे आज हंस रहा है, 10 साल बाद वही लोग तुम पर जलेंगे, लिख लो। चलो एक अच्छी सी पेंटिंग बनाओ तभी देखें। ये तुम्हारा ही घर है, ठीक है ना? जो मर्जी खाओ, शर्माना मत। ये देखो तुम्हारे लिए लेग पीस। आज के दिन भी तुम पी के आई हो, कुछ तो शर्म करो। क्या करो, जबरदस्ती पिला दिया तो। जैसे कि तुम्हारी उम्र अभी 5 साल है, जैसे तुम्हारे दोस्तों ने आके दिया और तुमने भी दूध की बोतल समझ के पी लिया, है ना? ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं बोल रहा हूँ बस 1 साल, बस 1 साल, फिर कभी नहीं छूऊंगा, सिर्फ लस्सी पीऊंगा। सुनो, मेरे मरे हुए बाप की कसम है। ओके, ठीक है ना? हाँ। याद रखना। यस। आप लोगों का झगड़ा रिकॉर्ड करे तो यूट्यूब में वायरल हो जाएगा। हाँ, वायरल हो जाएगा। मैंने क्या किया? कब से सोच रही थी कि तितली आई है। मैं रोनो के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन। हाँ? तितली, ये है रोनो, मेरी कजन ब्रदर। तितली, मेरी भाई ना अब्रॉड में रह के पढ़ता था, और वहाँ पे पढ़ाई खत्म करके यहाँ आके बिजनेस शुरू किया है। और रोनो, तुझे पता है तितली जितनी सुंदर दिखने में है उतना ही टैलेंट है उसमें, वो एक डिजाइनर भी है। तुम्हें पता है मेरा भाई फेसबुक पे ऐसे क्या सब लिखकर ऐसे बोलना बोलना एक डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप।
वो अभी इधर ही रहता है। ये एक पास ही के गली में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा है, पता है। इंस्टाग्राम में रीच कैसे बढ़ाते हैं, थोड़ा टिप्स दे देना। चुप, क्या सोचेंगे लोग। उसे ऐसे आप कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तितली, अब मेरी माना बिल्कुल पागलों की तरह मेरी सर खा रही है, क्योंकि मेरे भाई का भी उम्र हो गया है शादी का। रोज बोलती है तू एक लड़की ढूंढ ले उसके लिए, पुरानी ख्यालात की है, समझना ही नहीं चाहती है। आजकल लड़का लड़की खुद से ही बातचीत करता है, पसंद करते हैं, अब फिर शादी के बारे में सोचते हैं। ओह, इसलिए आज इनविटेशन। कोई बात नहीं, मुझे फ्री में बिरयानी मिल रहा है। बेसन का लड्डू मैं लाया हूँ। लवली। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। नहीं नहीं, अच्छा हुआ आपसे मिली। एक्चुअली मैं भी खुद का लेबल खोलना चाहती हूँ, तब शायद आपकी जरूरत पड़े। श्योर, एनी टाइम। क्या बात है, क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है। दीदी को लेकर कोई फिक्र नहीं मेरा, शी इज अ फाइटर। तुम्हें पता है मैं जब छोटी थी ना, हॉस्पिटल में जब इंजेक्शन लेने जाती थी, मैं चीख चीख के रोती थी, डरती थी, पर दीदी नहीं डरती थी। सब नर्स दीदी को ब्रेव गर्ल कहती थी। बहुत गुस्सा आता था मुझे। आप जो भी बोलो, रोनो बहुत अच्छा है। अब ये कहाँ से आया? अनजान बनने की कोशिश मत करो। इम्पॉसिबल। दीप मुझे कुछ देना दे, इतना ट्रस्ट इश्यूज दे गए हैं। मेरे लिए और कोई रिलेशनशिप में जाना इम्पॉसिबल। और मैं अकेली इतनी शांति में हूँ, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? शादी के लिए नहीं बोल रही, घुमा के तो देख सकते हो। क्या बोले, घुमा के दे? ये कौन से लैंग्वेज है? मौसी एक्स को गोली मारो, बाजार में सीक्वल आ गया है, रोनो दीप। मेरी दादी माँ, अब सच में मार पड़ेगा बोल रहे हो? मैं सुन रही हूँ, तुम्हारी माँ नहीं सुनेगी, बाद में बोलेगी कि मैं सिखाई। सुपर, संजीव कपूर से गॉर्डन राम से सब फिदा हो जाएगा। ज्यादा मत चराओ। क्या बात, आप और रोनो अंकल एक साथ पकाने से और भी मजेदार हो गया। देखो लड़का तो बहुत अच्छा है, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। हाँ, उसका नाम सुनने से ही तो तुम ब्लश करना शुरू करती हो। मुझे चिराने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं? काटा चुपी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होगा। अरे आप केले, अरे केला क्या आप बंदर से छीन के लाए हैं क्या? बहुत तकलीफ हो रहा है मम्मी। करो अभी मैजिक देखो, ये लो ये केला, थोड़ा सा ऐसे निगल लो, ठीक है ना? हाँ देखो, अभी निगल लो। चली गई, चली गई, चला गया। गुड केला, चला गया। थैंक यू सो मच, सच में मैं बहुत डर गई थी। मैं जब छोटी थी गले में हड्डी अटक गया था, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, इसलिए। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे फ्लैट के नीचे कौन रहती है, टुम्पा भाभी। थैंक यू आंटी। अभी तो कोई तकलीफ नहीं है ना बेटा। ए सुनो, मेरी मायका किधर है पता है तुम्हें? ये पास ही में फूल बागान, वहाँ पे मुझे सब लोग क्या कहते हैं तुम्हें पता है? फूल बगान की फूलन देवी। और मैं भी बोलती थी अरे बंदर केला। असल में ये केले खाने में बहुत अच्छा है। कुछ इंसान कभी नहीं बदलते हैं।